तो दोस्तों आपके लिए आज की लाइव स्ट्रीमिंग की हाइलाइट्स पेश है, जहां हमने बहुत सारे सवाल जवाब लिए लोगों के, मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश की। देखिए वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक करके ही वीडियो को छोड़िएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करता हूं, उसके ऊपर जरूर जरूर एक्शन लेने की कोशिश करता हूं। गाइस, कल मार्केट ने जो भी हल्ला मचाया, दो दिन में जो हल्ला मचाया बाजार में, यहाँ पे 16,800 तक के बाजार में लेवल चल गए थे और 17,000 को क्रॉस करने के बाद में बाजार ऊपर ही ऊपर है। चलिए, 161 का सपोर्ट आज का रहेगा, 292 का रेजिस्टेंस रहेगा, 161 का सपोर्ट रहेगा। लेट अस मार्क द सपोर्ट्स, लेट अस मार्क द सपोर्ट गाइस, 163 इज द सपोर्ट। यस दोस्तों, आई होप मेरे साथ रह के आप डरना मना है सीख गए होंगे, है ना। तो ये एक लेवल मार्क कर देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। रेजिस्टेंस का कलर हम लगा देते हैं रेड, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग हु ऑल आर देयर, दीपक मेहता जी, अदानी पावर शॉर्ट टर्म में 300 जाएगा, जाने दीजिए सर, मजा आएगा। देखिए, कल हमने लाइव सेशन में यू बैंक को देखा था कि 1406 तक आया। कल मैंने अपने लाइव सेशन का पोस्टमार्टम भी आपके सामने रखा। लुक एट दिस लास्ट कैंडल वेयर एयू बैंक एक्चुअली टच्ड 1400 के आसपास में, राइट, ठीक है। दिस इज, और 1410 के आसपास में इसे लगाया था। हालांकि उससे पहले जब हमने बात की तो 1407 तक ये स्टॉक आ गया था, हमने कहा था वहां पे हम देख सकते हैं बाय करने के लिए। जब मैक्स वॉर सर सीडीएसएल का बताओ, कुछ दिमाग खराब करते हैं क्यों भाई, सीडीएसएल की क्यों परेशान किया यार। 1543 पे लिया हुआ है, ओहो हो, 1543 यार, क्या हाई पे कैसे पकड़ लेते, ये कला कहां से आई आप लोगों के पास में यार। विल यू बिलीव हाई, कम ऑन मैन, दिस इज सुपर मैन, कैसे, हैट्स ऑफ। आपको पता मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में क्यों आया था? मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में इसलिए आया था, ये सोच के आया था, और प्रोबेबली जब 2017 में मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था या लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि लोगों को ना, लोगों के दिल को शायद टच करूंगा और लोगों को समझाऊंगा, भाई थोड़ा सीख लो यार, ये लाखों रुपये नुकसान मत करो यार, कुछ हजारों की फीस दे के सीख लो और इन्जॉय करो, आपका भी काम चलेगा हमारा भी चलेगा। बट लोग, पता क्या, लोगों को लगता है भाई ये ट्रेनर है, ये ट्रेनिंग से पैसे कमाता है। मैं नहीं, मेरे जैसे जितने भी लोग सबका भी ये समझ के बैठते हो, अरे हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है भाई, ये टॉप पकड़ना, मैं भी आपको टॉप पकड़ना सिखाता हूँ बट टॉप से निकलना सिखाता हूँ। लाइव सेशन में हम यही सीखते हैं कि टॉप से निकलना कैसे। अब देखो क्या होगा, आपको डर लग रहा होगा इसमें, निकल जाना चाहिए, आपको डर लग रहा होगा इसमें। अब मैं इसमें डरूंगा नहीं, अब मैं सीडीएसएल में डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये डरने का प्राइस नहीं है, ये इसको 1406 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें ऐड करो, आपको ये बॉटम पे ऐड करना चाहिए। 1444 के ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ा ब्रेकआउट देगा फिर ये, तो ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे, ध्यान रखना। टाड़ा मोरस 441 के ऊपर तो ब्रेकआउट है भाई इसका, इसमें क्यों स्टॉप लॉस लगा रहे हो 437 का, अगर वैसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाने लगा सकते हो, पर मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, परेशान मत हो आप, ये स्टॉक अच्छे पैसे देने वाला है। इन्फी, व्हाट इज इन्फी डूइंग, ब्रेकआउट की तैयारी है, स्टॉप लॉस 5060 का है, बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस है सुशोभन आपका, परफेक्ट स्टॉप लॉस है, परफेक्ट। देखो ये होता है तूफान से पहले की शांति, 1600 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ध्यान रखना, जैसे ही इसमें 1600 के आसपास वॉल्यूम्स मिलेंगी ब्रेकआउट। चलो देखते हैं, 500 के नीचे दबाव बना तो 425 के दर्शन दोबारा हो सकते हैं, 425 के। पेशेंस का दूसरा नाम है, बहुत पेशेंस ही है ना, खाली आप लोगों को बताने के लिए। जी ना, टाटा मोटर्स का कंफर्मेशन है मेरे पास ऑलरेडी, वो स्टॉक मेरी लिस्ट में है। हो गया, देखो मॉर्निंग सुबह आपको बोला था 441 के सपोर्ट के साथ में ट्रेल करो, 444
नो देखो, लुक एट माई टूल, 441 के ऊपर ब्रेकआउट, अपनी आत्मा दिल सब इसमें डाल दिया मैंने। होल्ड में है ट्रेंड, ठीक है, बट यू आर एक्सपेक्टिंग 36,700 एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट मैं बता दूँ 36,700 के ऊपर पे भी लॉन्ग बिल्डअप चालू हो गया है। एक्चुअली में पुट राइटर्स को कॉल बायर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो परफेक्ट लॉन्ग बिल्डअप नहीं बन रहा है अभी। पुट राइटर्स तो बहुत ताकत, बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको एक्चुअल में बैंक निफ्टी को 800 से भी ऊपर ले जाने के लिए, 36,850 तक टच करने के लिए। तो बैंक निफ्टी जिसके लिए फेमस है ना, 36,800 देखो, 36,480 के ऊपर में, 36,500 के ऊपर में मोटा मोटा ब्रेकआउट, दो टारगेट 36,800। अगर मैं प्योर स्विंग की बात करूँ तो ये टारगेट है स्विंग का। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसे किया जाता है और कैसे बाजार को समझा जाए और आपकी पोजीशंस अगर फंसी, अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं, मार्केट का व्यू लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा 9:15 पे डेली लाइव, लाइव मार्केट में एनालिसिस, कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं। और रात को 9:15 पे डालेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स अगले दिन के लिए, कैसे निफ्टी परफॉर्म करेगी, बैंक निफ्टी कहाँ परफॉर्म करेगी, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कौन से लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड क्या है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो शायद हमारे हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मिलिए रात को 9:15 पे निफ्टी बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में और सुबह 9:15 पे लाइव मार्केट एनालिसिस में।